तीन इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट्स ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इलेक्शन भी आएगा, और उसके बाद दो हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे। विक्रमादित्य मंडी से जीत के जाएगा, सुल्तानपुरी जो है शिमला से जीत के जाएगा। दो इलेक्शन और होंगे, पांच और आएंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते बॉल में पहुंचे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुटलैहड़ द्वारा आयोजित किए गए बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुकेश ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नए जोश का संचार किया। मुकेश ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरने वाली नहीं बल्कि स्थिर और टिकाऊ सरकार है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, जबकि 6 विधानसभा उपचुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में 5 और उपचुनाव आने वाले समय में जबकि 6 विधानसभा उपचुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में 5 और उपचुनाव आने वाले हैं, जिनमें से 3 निर्दलियों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होंगे, जबकि मंडी संसदीय क्षेत्र से विक्रमादित्य सिंह के चुनाव जीतने के बाद शिमला ग्रामीण और शिमला क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी के चुनाव जीतने के बाद कसौली से सीट खाली हो जाएगी। इसके चलते इन 2 विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होंगे, और अभी 11 उपचुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायकों की संख्या 40 से भी कहीं ऊपर जा पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा नतीजे यहां पे देगी, और सबसे बड़ी बात है एक प्रदेशवासी जान लें सारे प्रदेश के लोग कि प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं है। ठीक है, गिराने का प्रयास हुआ, लेकिन हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं, हमारे पास 34 लोग हैं और उनके पास 25 लोग हैं। 25 और 34 का बहुत बड़ा मार्जिन है, 9 सीटों का मार्जिन, यह जो है तोड़े नहीं टूट सकता। इसलिए इलेक्शन के बाद हमारी और स्थिति मजबूत होगी। 6 इलेक्शन हो रहे हैं, 6 में जो है इलेक्शन के बाद हमारी सरकार तो स्थिर हो जाएगी। उसके बाद 5 इलेक्शन और आएंगे हिमाचल प्रदेश में। 3 इलेक्शन जो इंडिपेंडेंट्स ने जो इस्तीफा दिया है वो इलेक्शन भी आएगा, और उसके बाद 2 हमारे कैंडिडेट जीत के जाएंगे। विक्रमादित्य मंडी से जीत के जाएगा, सुल्तानपुरी जो है शिमला से जीत के जाएगा। 2 इलेक्शन और होंगे, 5 और आएंगे, तो ये सरकार जो है अपने जो पहले मार्क है उससे भी ऊपर जाएगी। और विक्रमादित्य को हमने फैसला किया है, अगर हमें कोई खौफ होता तो हम अपने MLA थोड़ी नहीं लड़ाते, हमें कोई डर नहीं है, इसलिए हम जो है मंडी से विक्रमादित्य को लड़ा रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी की सीट थी, वो उनकी जगह विक्रमादित्य सिंह लड़ेंगे, या युवा उम्मीदवार हैं। और कंगना जी चाहती थी कि कोई युवा उम्मीदवार मेरे सामने लाया जाए, तो उनको युवा दे दिया उन्होंने आते ही मांग की थी कि रानी साहबा की जगह किसी और को लाएँ, तो हमने जो है विक्रमादित्य दे दिए हैं। तो बहुत वो सीट हम जीतेंगे, और उसके बाद शिमला ग्रामीण फिर से जीतेंगे, और ऐसे ही कसौली में अगर फैसला होता है जल्दी पार्टी का तो उसके बाद हम कसौली सीट भी जीतेंगे। तो कांग्रेस सरकार को तो हमने जैसे शुरू में कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो बड़ी स्थिर सरकार, स्थायी सरकार है। और प्रदेश की जनता को अब मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दें। इस सरकार को जो छेड़छाड़ की कोशिश हुई है, जिन लोगों ने इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है, उन ताकतों को जो है सजा दी जाए।